तो आज अगर हम अपने पुराने चीज़ों को उनके नाम से जानें तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। मोदी जी हमेशा अच्छी बात करते हैं कि अगर हम अपने जीडीपी को ठीक करने की बात करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा उन पुराने रीति रिवाज और पुराने जो लॉ चले आ रहे हैं उन सब में बदलाव जरूरी है। इस तरह के बहुत सारे पुराने जाकड़ी कानून है जिसके चलते लोग भी प्रभावित होते हैं। पर आज देखिए ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है कि अब गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी, उनका वीडियोग्राफी किया जाएगा और गाड़ी छोड़ दिया जाएगा। वो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं, कभी भी किसी ने बैठ कर ये नहीं सोचा कि आज के परिप्रेक्ष्य में उन कानूनों की क्या आवश्यकता है। अब पहले वन इलेक्शन वन जो नेशन की बात हो रही है, फिर धीरे धीरे वन नेशन वन टैक्स की बात होगी, तो रिफॉर्म की राह पे चल पड़ा है भारत। कमाया हुआ पैसा है जो टैक्स में जनता देती है उसको बचाने की पहल अगर सरकार की तरफ से हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अभी हमारे साथ पटना के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी मौजूद हैं। सर, आपसे पहला सवाल, अभी पूरे भारत में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी इसके बारे में बात की थी और अब इसको लेकर कमेटी का भी गठन हो गया है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में ये कमेटी काम करेगी। तो आपको लगता है इतने बड़े देश में ये वन नेशन वन इलेक्शन कराना संभव हो पाएगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा था, क्योंकि एक आम नागरिक के तरह से अगर आप सोचते हैं तो आप देखते होंगे कि हर बार इलेक्शन कराने में सरकार का बहुत पैसा बर्बाद होता है और पूरे समय सरकार सिर्फ इलेक्शन कराने में ही रहती है, कभी कहीं कभी कहीं। और जनता का जो कमाया हुआ पैसा है जो टैक्स में जनता देती है उसको बचाने की पहल अगर सरकार के तरफ से हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक सरकार को सही ढंग से चलने के लिए उसको 5 साल या 10 साल मिलना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त पूरे भारतीयों पर चुनाव और इलेक्शन का जो क्या कहिएगा, जो एक जो साया जो है वो हमेशा मंडराता रहता है कि कभी लगता है कभी सेंटर में चुनाव होगा, कभी लगता है कि राज्यों में चुनाव होगा। तो एक आम आदमी और एक सरकार, एक आम आदमी भी अच्छे से सोच नहीं पाता है, एक सरकार भी अच्छे से सोच नहीं पाती है, क्योंकि हम एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इस तरह के जो भी दिक्कतें वाली चीज़ है जहाँ सरकार का समय, एनर्जी, पावर, पैसा सब बर्बाद होता है, तो ये पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे ये होगा कि जब हम चुनाव में लोग चुनने जाते हैं तो हम एक ही बार में एमएलए एमपीज को चुन लिया, फिर 5 साल हम भी निश्चिंत, सरकार भी निश्चिंत, और वहाँ सरकार का बहुत सारा पैसा बचेगा, मैन पावर बचेगा, जो सरकारी अफसर जो पूरे 3 महीने ही सिलेक्शन प्रोसीजर्स में लगे रहते हैं तो उनका भी जो काम करने की जो क्षमता है, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में है, वो काम छोड़कर वो अगर इलेक्शन कराते हैं, तो चीज़ों को समेटने और रिफॉर्म की शुरुआत अगर हुई है और हो रही है तो इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के मशहूर वकील हरीश सालवे ने तीसरी शादी की, खैर वो तो उनका निजी मामला है, लेकिन जी। वहाँ पे ललित मोदी भी मौजूद थे जिन्हें हिंदुस्तान का भगोड़ा भी कहा जाता है। और हरीश सालवे बीजेपी के भी काफ़ी करीबी हैं और जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी है उसके भी मेंबर हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शादी जो है वो व्यक्तिगत मामला है और हरीश सालवे जी का जो व्यक्तिगत मामला है कि शादी की जो बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात एक देश के लिए है, ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या उससे रिलेटेड कोई बातें होती है। और अगर मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये सोचता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो धीरे धीरे ही रिफॉर्म होगा। अब पहले वन इलेक्शन वन जो नेशन की बात हो रही है, फिर धीरे धीरे वन नेशन वन टैक्स की बात होगी, तो रिफॉर्म की राह पे चल पड़ा है भारत। आज तक जितने भी पुराने कानून बने थे वो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं, कभी भी किसी ने बैठ कर ये नहीं सोचा कि आज के परिप्रेक्ष्य में उन कानूनों की क्या आवश्यकता है। जैसे आप देखे होंगे कि थाना में बहुत सारी गाड़ियां पकड़ाती हैं, आप एक बार अगर सर्वे करेंगे तो देखेंगे थाना में हजारों के हजार में गाड़ियाँ जो हैं वो कबाड़ पड़ती जा रही हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं होती है कि इस सिस्टम को बदले। और आज देखिए ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है कि अब गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी, उनका वीडियोग्राफी किया जाएगा और गाड़ी छोड़ दिया जाएगा। तो
कहीं ना कहीं आपके मन में ये हुआ और ये देखकर आपका दिल को लगा कि उतने सारे जो व्हीकल्स पकड़ाते हैं उनका क्या कसूर है और वो थाना में यूं ही सड़ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पुराने जाकड़ी कानून है जिसके चलते लोग भी प्रभावित होते हैं। जब एक मोटरसाइकिल की वैसी हालत हो सकती है तो आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति उस कानून के चलते प्रभावित हुआ हो और आज वो थाना में होगा या फिर जेल में होगा तो उसको कितनी दिक्कतें होती होंगी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो भारत अब रिफॉर्म की राह पे चल चुका है, भारत को अपनी पहचान बनानी है, उन पुराने रीति रिवाज और पुराने जो लॉ चले आ रहे हैं उन सब में बदलाव जरूरी है और बदलाव का रेस्पेक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए। मोदी जी हमेशा अच्छी बात करते हैं कि अगर हम अपने जीडीपी को ठीक करने की बात करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि आप हमसे भी अच्छी जीडीपी की बात कीजिए। तो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने से नहीं होगा, आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स में आना होगा और आज का जो युग है वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स का है, तो शायद पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है ये सब रिफॉर्म के साथ। जी, अभी जो विपक्षी गठबंधन है उसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, तो इसके खास करके इसके बाद से जो बीजेपी है वो मांग कर रही है कि देश अब इंडिया नाम से ना जाना जाए, वो जो उसका नाम था भारत उसी नाम से जाना जाए। और अभी दिल्ली में जो G20 समिट हो रही है वहाँ सारे बड़े बड़े देश के राजनेता डेलीगेट सब आ रहे हैं, तो इन्हें जो लंच का इन्वाइट भेजा गया है वो पहले जो इन्वाइट भेजा जाता था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भेजा जाता था, अब जो इन्वाइट भेजा गया है वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया है, तो ये जो नाम की राजनीति चल रही है इससे किसको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, नाम की राजनीति की बात जहाँ तक होती है तो अगर हम अपने पुरानी जो खोई हुई विरासत है उसको पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अगर हम अपनी भाषा, अपना व्यक्तित्व, अपना जो हमारा जो शुरू से चला आ रहा है जो सनातन धर्म है, या सनातन धर्म को आजकल कास्ट से जोड़ते हैं लोग, लेकिन सनातन धर्म कोई कास्ट नहीं है, ये हमारी पुरानी पद्धति थी जीने की। तो आज अगर हम अपने पुराने चीज़ों को उनके नाम से जाने तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, वो पहले भी इस आइडिया का समर्थन करने आए हैं और उनका कहना है कि ऐसा करने से देश का बहुत सारा समय और पैसा बचेगा, इसीलिए वो इस आइडिया के समर्थन में दिखे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़।